Hello friends, welcome to my cap growth channel. My cap growth channel पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों. शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो आप लोग मेरे वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं. इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. दोस्तों आज जो मैं बताने वाला हूँ एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स का, मैं लास्ट पार्ट बता रहा हूँ. पार्ट थर्ड है ये वीडियो जिसमें मैं आखिरी के सारे स्टॉक्स इंक्लूड कर रहा हूँ इस वीडियो में, और जो सेबी ने और एक्सचेंज ने मिलकर जो एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स बनाए हैं तो उनमें का ये आखिरी वीडियोज़ हैं. और लास्ट के सारे स्टॉक्स जो अभी लेटेस्ट इंक्लूड किए गए हैं जिसमें सेबी मॉनिटर कर रहे हैं कि इसमें क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, इस स्टॉक में फ्लक्चुएशंस के क्या रीज़न्स हैं, तो वो स्टॉक आज मैं लास्ट बताने वाला हूँ. मैंने लास्ट के इससे पहले मैंने दो वीडियो बना चुका हूँ इस पर, पार्ट वन और पार्ट टू. जो मेरे व्यूवर्स पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देख पाए हैं तो आप देख सकते हैं पार्ट वन पार्ट टू, क्योंकि आपका हो सकता है कि पोर्टफोलियो में कुछ ऐसा स्टॉक हो जो ASM के अंदर सेबी के मॉनिटरिंग में हो, तो उसमें थोड़ा आप अपने हिसाब से उसको थोड़ा उस स्टॉक में आपको जागरूकता बना के रखना पड़ेगा कि उस स्टॉक में क्या हो रहा है. तो चलिए मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए इस स्टॉक के बारे में बताऊं रिमेनिंग जो बचा हुआ है लास्ट पार्ट थर्ड वाला. तो उससे पहले दोस्त मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा और लाइक करने के लिए बोलूँगा अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगता है तो, और कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मुझे सजेस्ट करें ताकि मैं अच्छा आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट वीडियो बना सकूं. तो दोस्तों आज का जो पहला लिस्ट है और मैं शुरू करूंगा, अब तक मैं 76 स्टॉक बता चुका हूं और ये 77 से स्टार्ट करूंगा. तो ये स्टॉक जो सेबी के मॉनिटरिंग में है, तो 77 पोजीशन पे जो स्टॉक है उसका नाम है सामरिया कंज्यूमर लिमिटेड. ये स्टॉक में भी बहुत लोग इन्वेस्ट किए हैं और बहुत तेज़ी से ये स्टॉक ऊपर उठा और बहुत तेज़ी से नीचे भी जा रहा है. तो दोस्तों आपका पैसा बहुत कीमती है और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसको पूरी तरह से रिसर्च करें, एनालाइज करें और हो सके तो आपको एडवाइज़र को है तो उससे एडवाइस लें कि वो स्टॉक कैसा है, उसका प्रमोटर कैसा है, क्या उसमें खेल खेल रहे हैं प्रमोटर, क्यों उसको फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा है. क्योंकि आपको पैसा, आपका पैसा रहेगा तभी आप स्टॉक मार्केट में कमा सकते हैं. तो आज 78 पोजीशन पे जो है सवाका बिजनेस मैकेनिज्म लिमिटेड है, 79 पे है शांतानु शेवरे एक्वल्ट लिमिटेड है, और 80 पे है शार्प इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, और 81 पे है सोरिल होल्डिंग्स एंड वेंचर्स लिमिटेड, 82 पे है SRS फाइनेंस लिमिटेड, 83 पे है SRS लिमिटेड, 84 पे है SRS रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखें, हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक है जो सेबी की इस मॉनिटरिंग लिस्ट में है, तो आप पे उस पर थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा. और इसका जो सेकंड लिस्ट है उसमें 85 पे जो है स्टैम्प्ड कैपिटल लिमिटेड है, 86 पे है स्टैम्प्ड कैपिटल लिमिटेड DVR, और 87 पे स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड, 88 पे स्टर्लिंग इंटरनेशनल इंटरप्राइजेज लिमिटेड, और 89 पे सुनील हाईटेक इंजीनियर्स लिमिटेड, और 90 पे है सन स्टार रियलिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, 91 पे सुप्रीम होल्डिंग्स एंड हॉस्पिटैलिटी इंडिया लिमिटेड, और 92 पे सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. दोस्तों इन सब स्टॉक में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, हो सकता है कि इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है, क्योंकि सेबी ने एक्सचेंज के साथ मिलके जो ये ASM रूल्स बनाया है और ताकि इन्वेस्टर मेरे सेफली अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें. तो ये मैं नेक्स्ट
लिस्ट बता रहा हूँ, जिसमें 93 पे है स्वदेशी इंडस्ट्रीज़ एंड लीजिंग लिमिटेड, 94 पे है ताल वॉकर्स बेटर वैल्यू फिटनेस लिमिटेड, 95 पे है तायान आयुर्वेदिक एंड हर्ब्स लिमिटेड, 96 पे है तीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 97 पे है ट्रांसपेरेंटी फाइनेंस लिमिटेड, 98 पे है यूनिप्लाई डेकोर लिमिटेड, 99 पे है यूशेर एग्रो लिमिटेड, और नेक्स्ट लिस्ट में आता है 100 पे उत्तम वैल्यू स्टील्स लिमिटेड, और 101 पे आता है वेंकीज इंडिया लिमिटेड। ये भी स्टॉक काफ़ी चला है पिछले साल, और जनवरी के बाद से भी स्टॉक लगातार नीचे आया है, तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा सावधान बरतना पड़ेगा। और 102 पे है विजी फाइनेंस लिमिटेड, 103 पे वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड, 104 पे है विशेष इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड, 105 पे वीकेजे इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड, 106 पे है वाटर बेस लिमिटेड, और आखिरी लिस्ट इस एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स का है विंडसोर मशीन्स लिमिटेड, 108 पे यूकेन इंडिया लिमिटेड, 109 पे जेनिथ एक्सपोर्ट लिमिटेड। तो ये आखिरी लिस्ट रहा दोस्तों, तो आप अपने पोर्टफोलियो में एक बार जा कर के देखें कि आपका पोर्टफोलियो का कोई ऐसा स्टॉक तो ऐसा नहीं जो सेबी के मॉनिटरिंग में है, और अगर है तो उस पर क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा और थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा उस स्टॉक में कि इसको क्या करना है। ये सेबी ने जो रूल्स बनाया है इन अपने इन्वेस्टर को सेफ रखने के लिए बनाया है, और हम इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा रूल है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका इन्फॉर्मेशन तुरंत चला जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।